ये है होंडा सी डी 110 ड्रीम डिलक्स। ये बाइक मार्केट में प्लेटिना 110, रेडियन 110 और पैशन प्रो जैसी बाइक से सीधा मुकाबला करती है। इस बाइक में क्या क्या आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, माइलेज और टॉप स्पीड कितनी है, फाइनेंस कराते हैं तो लोन ईएमआई और डाउन पेमेंट आपको कितनी करनी पड़ेगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले इसके फ्रंट लुक से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का वाइजर देखने को मिलता है जिसके नीचे में होंडा का स्टिकर है। और सबसे पहले मैं चाबी को यहाँ से ऑन कर देता हूँ। जैसे ही आप चाबी को ऑन करते हैं तो इसकी जो हेडलाइट है वो हमेशा ऑन रहती है क्योंकि इसमें आपको AHO का सेटअप मिलता है और लो बीम और हाई बीम के साथ। साइड प्रोफाइल की बात करें तो थोड़े से फ्लेक्सिबल यहाँ पर आपको हेलोजन टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। बाकी वाइजर के साइड में आपको कोई भी स्टिकर वर्क नहीं दिया गया है। अभी मैं चाबी को यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। इसका जो आगे वाला मडगार्ड है वो यहाँ पर आपको टोटल फाइबर बॉडी का दिया गया है जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। टेलीस्कोपिक टाइप के फ्रंट में सस्पेंशन का सेटअप दिया गया है और एक्सल के नट के ऊपर में आपको रबड़ की ग्रिप देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको कॉम्बी ब्रेकिंग का सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको मीटर गिरारी का सेटअप, इसके साथ ही यहाँ पर आपको 80/118 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है 18 इंच के सिल्वर कलर के अलॉय व्हील के साथ। इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो इस बाइक का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो प्लेटिना 110, TVS, रेडियन 110 और पैशन जैसी बाइक से थोड़ा सा पतला नज़र आता है। वो जो बाइक है वो थोड़ी सी एरोडायनामिक डिजाइन के साथ आती है। यहाँ पर आपको मल्टी कलर के ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको होंडा का स्टिकर दिया गया है और 9.1 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है। इसका जो फ्यूल टैंक है वो काफ़ी नॉर्मली लुक में दिया गया है, ज़्यादा यहाँ पर आपको एरोडायनामिक डिजाइन देखने को नहीं मिलती है। और इसमें आपको नॉर्मल स्पीडोमीटर मिल जाता है एनालॉग का। यहाँ पर होंडा की ब्रांडिंग है। यहाँ पर गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, यहाँ पर आपको चेक इंजन लाइट टर्न इंडिकेटर और हेडलाइट, और यहाँ पर आपको फ्यूल गेज मिल जाता है और क्रोम की हैंडल बार मिल जाती है और रेगुलर यहाँ पर आपको मिरर मिलते हैं होंडा वाले। यहाँ पर आपको पासिंग के साथ अपर डिपर का बटन मिलता है, इंडिकेटर और हॉर्न का बटन मिलता है। दूसरी साइड में आपको इंजन के लिए बटन मिल जाता है। हमें इस बाइक का जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा रिफाइन भी है और काफ़ी ज़्यादा साइलेंट भी है। इसके सीट कंफर्ट की बात करें तो इसके सीट की जो लंबाई है वो है 736 mm। इसके अंदर की जो कुशन है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है। पीछे में आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है जिसको आप कैरियर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम लिमिट जो है वो 3 kg की दी गई है। 3 kg तक आप इसमें वजन को रख सकते हैं। पीछे में हेलोजन टेललाइट, हेलोजन टर्न इंडिकेटर का सेटअप देखने को मिलता है। इसके साथ ही सीट काउल के ऊपर भी आपको गोल्डन कलर और सिल्वर कलर के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। साइड बॉडी पैनल के ऊपर में आपको CD110 ड्रीम डीलक्स का यहाँ पर आपको स्टिकर मिलता है ग्राफिक्स के साथ और यहाँ पर आपको ESP का लोगो दिया गया है स्टिकर के साथ। यहाँ पर आपको सिंगल पैनल मिलता है, किक स्टार्ट मिल जाता है, 162 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। यहाँ पर आपको कैटलिटिक कन्वर्टर ओपन मिलता है, स्पार्क प्लग मिल जाता है, ऑक्सीजन सेंसर, FI सिस्टम मिलता है। इसमें दिया है 109.51 cc का एयर कूल्ड 4-stroke 2-valve BS6 FI इंजन। ये इंजन 8.79 PS की पावर देता है 7,500 RPM पर और 9.30 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 5,500 RPM पर। 100 km प्रति घंटे की इस बाइक में आपको टॉप स्पीड मिल जाती है और 60 से 65 का ये बाइक आपको आसानी से माइलेज निकाल कर दे देती है। यहाँ पर आपको क्रोम का मफलर गार्ड मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा लुक देता है। यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक टाइप के नॉन एडजस्टेबल पीछे में सस्पेंशन दिए गए हैं जिसको आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। पीछे भी आपको 80/118 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है 130 mm की ड्रम ब्रेक के साथ। इसके साथ ही सिल्वर कलर का अलॉय व्हील मिलता है। दूसरी साइड में चलें, इसके डायमेंशंस की बात करें तो इसका व्हील बेस है 1285 mm का, इसकी लंबाई है 2044 mm की, इसकी हाइट है 1076 mm की। इसके साथ ही इस बाइक की सीट को अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लॉकर दिया गया है इसकी सीट को ओपन करने का, जिसको मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। जैसा कि आप चाबी को अंदर की तरफ डालते हैं और इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो इसका जो सीट है वो आसानी से ओपन हो जाता है। वैसे इसकी जो सीट है वो काफ़ी लाइट वेट है, जिसके नीचे में आपको टूल किट दी गई है और इसकी जो थिकनेस है, जो मोटाई है सीट की, वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको मिलती है काफ़ी अच्छी कुशन के साथ, जो कि काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का यहाँ पर आपको मटेरियल यूज किया गया है। यहाँ पर आपको फर्स्ट एड किट मिल जाती है, इसी में आप अपने बाइक के डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं। यहाँ पर आपको एयर फिल्टर दिया गया है और पीछे वाला मडगार्ड भी इसका फुल फाइबर बॉडी के साथ आता है। तो अभी मैं इसकी सीट को यहाँ से लगा देता हूँ।
इसके साथ ही अगर आप इस बाइक को 40 से 60 की स्पीड में मेंटेन करके चलाते हैं तो आप इस बाइक से 65 से 70 का भी माइलेज आसानी से अचीव कर सकते हैं दोस्तों। बाकी इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसके साथ ही यहाँ पर आपको कंपनी फिटेड ब्लैक कलर का साड़ी गार्ड मिल जाता है जिसमें आपको फाइबर का थोड़ा सा यूज मिलता है। फाइबर बॉडी का यहाँ पर आपको चेनसेट कवर मिल जाता है और टायर के प्रेशर को भी यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। गियर की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 4-स्पीड गियर बॉक्स, जैसा कि इसमें आपको 4 गियर मिलते हैं और यहाँ पर आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का सेंसर फीचर्स मिलता है। जैसे कि मैंने इसके साइड स्टैंड को यहाँ से डाउन कर दिया है, अगर बाइक का साइड स्टैंड डाउन होता है और उस कंडीशन में आप क्लच को दबाकर जैसे ही गियर को डालते हैं इंजन इसका तुरंत बंद हो जाता है दोस्तों। तो अब बात करें इसके प्राइस और फाइनेंस के बारे में, तो होंडा CD 110 ड्रीम डीलक्स की एक्सोरूम कीमत है 70,045 रुपये और इसकी ऑन रोड कीमत है 85,201 रुपये। अगर आप इसको फाइनेंस कराते हैं, लोन पर लेते हैं, तो इस बाइक को लेने के लिए आपको 20,216 रुपये जमा करने पड़ेंगे, मतलब कि डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। 12 महीने की जो EMI है वो आएगी 5,986 रुपये की, 18 महीने की जो EMI है वो आएगी 4,180 रुपये की, 24 महीने की जो EMI है वो आएगी 3,278 रुपये की, 36 महीने की जो EMI है वो आएगी 2,375 रुपये की। ये ऑन रोड प्राइस और फाइनेंस की जानकारी मैंने आपको बताई है Cloud9 होंडा शोरूम जयसो रोड कोलकाता की। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।